हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म होती है और तैयारी शुरू हो जाती है नए क्लास में एडमिशन की। नई स्कूल यूनिफॉर्म, नई बुक्स और नई स्टेशनरी और सबसे खास बच्चों का लक्की और फेवरेट पेन सेलो। जी हाँ दोस्तों, सेलो पेन काफ़ी सालों से इस नई जर्नी में बच्चों का साथी रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं इसी सेलो पेन की शुरुआती कहानी और सक्सेस जर्नी की, और कैसे हम सेलो पेन की केस स्टडी से अपने बिजनेस लेसन सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नाम बोलो। बाल मुर्गन नागराजन, पुल्ली राजू, पुट्टा मुर्गन, चिंचन कप्पे, चिन्ना मुर्गन, बालस्वामी शेखरन, पुट्टपर्ति लोककल्लू, तुम्मल लवांगम, सर्वपल्ली वेंकट, चिन्न प्रसाद राजा, कुलशेखर मंगलम, कीट कीटी देवा। ओ मिस्टर, बर्थ सर्टिफिकेट पे बेबी का नाम लिखो। बाल बाला बाला, इतना स्मूथ। सेलो बटरफ्लो, इतना स्मूथ, लिखे सन सननन। तो शुरुआत होती है साल 1967 से बंबई के गोरेगांव से, जहां के रहने वाले घीसूलाल राठौड़ ने सबसे पहले अपने बिजनेस की शुरुआत की पॉलीविनाइल कार्बोनेट पीवीसी के जूते और चूड़ियां बनाने से। इस दौरान घीसूलाल जी के पास सिर्फ 60 मशीनें और 60 कर्मचारी ही हुआ करते थे। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन घीसूलाल जी अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते थे। उस समय स्टील और पीतल के बर्तन काफ़ी चला करते थे, लेकिन घीसूलाल जी ने देखा कि ये काफ़ी भारी होते हैं और महंगे भी होते थे। तभी उन्होंने सोचा क्यों न प्लास्टिक के बर्तन बनाकर लोगों तक पहुंचाया जाए, जो कि लोगों के लिए सस्ता भी होगा और हल्का भी। बस फिर क्या था, अब कंपनी जूते चप्पल बनाने के साथ साथ प्लास्टिक का सामान भी बनाने लग गई, और धीरे धीरे लोगों का ये प्लास्टिक के बर्तन पसंद भी आने लग गए। एक बार घीसूलाल जी किसी काम के सिलसिले में अमेरिका गए हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग छोटे छोटे प्लास्टिक के कैसरोल के बर्तनों में ही खाना रखा करते थे। बस घीसूलाल जी इनको लगा कि ये भारतीयों के लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, और हुआ भी वही। साल 1980 में उन्होंने सेलो कैसरोल को लॉन्च किया और मार्केट में इसे लोगों ने खूब पसंद किया। अब सेलो के प्लास्टिक बर्तनों की सेल बहुत तेजी के साथ में बढ़ने लग गई और घर घर में यह प्रोडक्ट पहुंचने लग गया, क्योंकि ये पीतल और स्टील के बर्तनों से सस्ते होते और हल्के भी होते थे। दोस्तों, यहाँ से हम ये बिजनेस लेसन सीख सकते हैं कि हमें बीइंग ए बिजनेसमैन हमेशा मार्केट की नीड को समझना चाहिए। चाहे आपका प्रोडक्ट सेम ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा ये देखना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से अलग बना जा सकता है और फर्स्ट मूविंग एडवांटेज लिया जा सकता है। अब सेलो कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, और साल आता है 1986 में कंपनी ने थर्मोवेयर प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री सेटअप कर दी थी। धीरे धीरे कंपनी अपने ही कैटेगरी में और एक्सपेंशन कर रही थी, और साल 1994 में कंपनी ने इटली से मोल्ड हुए प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। अब साल आया 1995, जब कंपनी ने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में हाथ आजमाया, और यहीं से शुरुआत हुई आइकॉनिक ब्रांड सेलो पेन की। सेलो पेन की शुरुआत क्लासिक बॉल पेन से हुई, जिसकी टिप्स इंपोर्टेड होती थी और इन जर्मनी से मंगाई जाती थी। शुरू से ही इनोवेशन पर फोकस किया गया और हाई क्वालिटी पेन बनाने पर जोर दिया गया, जिसके चलते जल्द ही सेलो पेन भारत के स्टेशनरी मार्केट में एक चर्चित नाम बन गया। साल 2015 में फ्रेंच कंपनी BIC ने सेलो की 100% ऑनरशिप अपने पास ले ली, और अब सेलो पेन BIC सेलो के नाम से मार्केट में बेचा जाने लगता है। आज सेलो का मार्केट शेयर 37% है और डेली 5 मिलियन यूनिट से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन होता है।
सेलो पेन में हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया गया और पेन की टिप स्विस होती और इंक जर्मनी से मंगाई जाती है। पेन को LPHV टेक्नोलॉजी यानी लो प्रेशर हाई वॉल्यूम के तहत इन हाउस प्रोड्यूस किया जाता है। सेलो पेन को हमेशा कंफर्ट के साथ जोड़ा गया और अपने टीवी एड्स में भी हमेशा इस बात पर जोर दिया गया कि सेलो पेन हमेशा एग्जाम में स्टूडेंट का प्रेशर कम करता है। साल 2014 में आए ग्लाइड जेल पेन को के टीवी एड में इसी टैगलाइन को बताया गया कि द स्मूदेस्ट राइटिंग पेन ऑफ इंडिया। सेलो पेन की मार्केटिंग हमेशा स्टूडेंट के कंफर्ट और एग्जाम प्रेशर को रिलीज करने को लेकर ही की गई, जो हमेशा कामयाब रही। इम्पोर्टेंट एग्जाम है, अपना सेलो ना भूलना। हर सेलो पेन पास करता है 23 क्वालिटी टेस्ट, इसलिए हमेशा लिखे, कभी ना रुके। फिनिश सर। सेलो पेन। साल 2018 में बिजनेस मैगजीन इनसाइड सक्सेस ने सेलो को 10 मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड की श्रेणी में रखा था। समय समय पर कंपनी ने ब्रांड एंडोर्समेंट करते हुए सेलिब्रिटी को भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। साल 2009 में MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिससे स्कूल किड और यंग स्टूडेंट को टारगेट किया गया और धोनी की कूल इमेज को प्रेजेंट किया गया अपने पेन से, जो काफ़ी कामयाब रहा। कंपनी ने इसके अलावा भी समय समय पर दूसरे सेलिब्रिटीज जैसे मिस्टर लांबा नाम से पंकज उदास और जसप्रीत बुमराह को एम्बेसडर बनाया और हर तरह के जनरेशन को टारगेट किया गया और जो हमेशा कामयाब रहा। यहाँ हम बिजनेस लेसन सीख सकते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस हमें पता होना चाहिए और हमारी मार्केटिंग भी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। कंपनी ने अपने टीवी एड्स में समय समय पर स्ट्रॉन्ग टैगलाइन को यूज़ किया, जैसे सेलो द पेन इंडिया ट्रस्ट, सेलो द पेन इंडिया ट्रस्ट, एग्जाम टाइम मतलब सेलो टाइम यूज़ किए, जो हमेशा टारगेट कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, जो काफ़ी कामयाब रहे। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी में हर तरह के पेन जैसे बॉल पेन, जेल पेन, रोलर पेन, फाउंटेन पेन और पेंटेक पेन शामिल किए तथा इनकी प्राइसिंग भी हमेशा मार्केट के कंपटीशन में ही रखी या उसे कम ही रखी, जिससे हर तरह के कस्टमर को टारगेट किया जा सके। और यही बिजनेस लेसन हम भी अपने बिजनेस में अपना सकते हैं, अपनी कैटेगरी और रिलेटेड प्रोडक्ट निकाल कर अपना कस्टमर बेस मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, आज सेलो कंपनी पेन के अलावा प्लास्टिक के हाउसवेयर प्रोडक्ट भी काफी बनाती है और इसमें बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है। सेलो बोतल, टिफिन, बाउल्स आदि में सेलो के स्टूल, फर्नीचर भी, प्लास्टिक के फर्नीचर भी मार्केट में खूब सेल होते हैं और इनका नाम बहुत बड़ा माना जाता है। सेलो ब्रांड अपनी हाई क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। कंपनी को आज टप्परवेयर, लॉक एंड लॉक, पल पेल आदि ब्रांड से कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन फिर भी सेलो ने जो ट्रस्ट लोगों के दिलों में बनाया है वो आज भी बना हुआ है। कंपनी का टर्नओवर साल 2019-20 में 1500 करोड़ रुपए था, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी आज भारत के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और ये लगातार कामयाब की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी सेलो पेन की और सेलो ब्रांड की सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको ये कहानी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो लेकर आऊँ आप तक उसकी जानकारी सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Thank you very much.